अस्सलामु नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है हिरासत में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। एक वफ्त जाएगा मुस्लिम लीग नून का जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब क्या इस वफ्त में अपने वफ्त को लीड करेंगे, क्या वो दोनों जाएंगे, सिर्फ बिलावल साहब जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो अब ज़ाहिर है इसका भी जवाब पीपल्स पार्टी देगी। एजेंडा अब तक भी सामने नहीं आया कि एपीसी का एजेंडा क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप मिलकर बैठते हैं कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव क्या करना चाहते हैं ये अब तक भी एक मोमा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या हुकूमत गिराना चाहते हैं, क्या कोई पॉलिसीज बदलवाना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है जो इन तमाम अपोजिशन को इकट्ठा कर रही है। आज मियां नवाज शरीफ साहब असेंबली गए, उन्होंने शहबाज साहब से उनके चैम्बर में मुलाकात की, एक्सपेक्टेड तो यही था कि वो नहीं जाएंगी मुस्लिम लीग नून की क्यादत इस एपीसी में, लेकिन आज बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी हो गया। सो इस पर बात करेंगे शुरू में। फिर आज़म सवाती साहब का जो मामला है वो तो जाहिर है वो एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समझ नहीं पा रही कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना कैसे। जब इमरान खान सेशन में होते थे तारीफ करते थे, माफी चाहता हूँ उस ब्यूरोक्रेट की जो हुकूमत की नहीं सुनता था। क्लेम उनका सबसे बड़ा ये था कि गैर सियासी पुलिस हमने खैबर पख्तूनख्वा को दी है जिसकी वजह से हम इलेक्शन जीत कर आए। अब जबकि वो खुद हुकूमत में आए हैं तो उनका ये उनकी हुकूमत इस बात पर आईजी का तबादला कर देती है कि उसने एक फोन नहीं सुना। खबरें तो ये भी आ रही है कि शायद ये गुफ्त हुई भी है, लेकिन जो इशू था एक भैंस पर, एक झगड़े पर आईजी को का तबादला कर देना, ये कैसी हुकूमत चलाना चाहते हैं। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमारी कॉल्स नहीं सुननी तो फिर हम इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, इस पर जरा तफसीली गुफ्तगू होगी। इलेक्शन इसलिए नहीं होता कि बादशाह हो, एक कानून है, एक आइन है, उसके मुताबिक चलने के लिए होता है। लेकिन एपीसी से आगाज करेंगे, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे पास आएंगे मुस्लिम लीग नून के एमएनए, थोड़ा सा डिलेड है। और कायरा साहब मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कि राजनीति में कायरा साहब से शुरू करूंगा इसको। लेकिन ये लीग वाले क्यों डिले हैं आजकल हर फैसले में, हर जगह आने में? हुकूमत गई है, नहीं नहीं आदत हो जाएगी। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब ये बताइएगा कि अब जबकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब तो जाहिर जा ही नहीं सकते थे, एक जो लीडरशिप ना आई एपीसी में, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अब भी जाएगी इस एपीसी में? काशिफ साहब, पीपल्स पार्टी के पास जब मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए और उन्होंने ये अंदिया दिया कि वो अपोजिशन की जमातों को बुलाना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं इकट्ठ करके, तो हमने इस पर प्रिंसिपली इत्तफाक किया कि हमें कोई एतराज नहीं, अब बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब एपीसी तलब कर रहे हैं, वो किस लेवल पे लीडरशिप को बुलाते हैं नई सूरत हाल में, और एजेंडा वो क्या सामने रखते हैं, वेट क्या रखेंगे, ये आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब। आपने एपीसी से इत्तफाक कर लिया, आपको एजेंडा ही पता नहीं था? अगर कल एजेंडे में ऐसी बात कह रहे 18वीं तरमीम रिवर्स करनी है जी, तो फिर भी आप जाएंगे? एजेंडे के बगैर कौन सी एपीसी होती कह रहा साहब? मैं बता देता हूँ जी, एजेंडे के बगैर काशिफ अब्बासी साहब हमारी एपीसी वो भी होगी जिसमें हमने ये तय कराया बाकी जमातों से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप असेंबलियों के अंदर चले, असेंबलियों का बायकॉट करें। उसका भी कोई प्री एजेंडा नहीं था, हमने सारी जमातों को इकट्ठा करके उनसे रिक्वेस्ट की थी। नहीं लेकिन कायरा साहब मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपको याद होगा बिलावल साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम असेंबली जाएंगे और बाकी जमातों को कन्विंस करेंगे कि वो भी असेंबली में आए, और ये आपका एजेंडा था? मैंने अर्ज किया ये हमारा एजेंडा था, बाकी जमातों का एजेंडा मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ एजेंडा के ऊपर भी आप इकट्ठे होकर अल्टीमेटली आपने अपना एक लायमल तय कर लिया। चले आप अपने एपीसी का एजेंडा बताएं, कायरा साहब आप मुझे एजेंडा बताएं कि आपका एपीसी में जाते हुए एजेंडा क्या है पीपल्स पार्टी का? थोड़े मौलाना साहब क्या कहते हैं? एपीसी जो जमात बुलाएगी वो एजेंडा देगी, और एजेंडा हो सकता है बिल्कुल मेरे नुकता नजर पे इत्तेफाक ना रखता हो, तो मेरे लिए लाजम नहीं होता कि मैं एपीसी में चला जाऊंगा तो उस एजेंडे के साथ मैं इत्तेफाक करूंगा। उस एजेंडे पे डिस्कशन होगी, जमाते अपना अपना नुकता नजर देगी, क्योंकि जब हम एपीसी में जब हम गए थे तो ये हमारा एजेंडा था उस पीपल्स पार्टी का, ये बाकी जमातों का एजेंडा नहीं था कि सारी जमातें जो है वो असेंबली में चले, वो तो कुछ और सोच रहे थे, हमने उन्हें कन्विंस किया, ये हमारा एजेंडा था। वहां वो अपना एजेंडा अगर रखते हैं हम देखेंगे, और वहां पे एजेंडा तब्दील भी हो सकता है लीडरशिप के साथ मशावरत से, बट ये मौलाना फजल रहमान आइंदा चंद दिनों में
वो एजेंडा भी सामने रखेंगे और ये भी तय हो जाएगा कि अप्रोप्रिएट लेवल पे अब क्या होना चाहिए, क्या हमारी लीडरशिप जाएगी या हमारे भी एक वफद उसमें शामिल होगा, ये कोई ऐसा अहम इशू नहीं है, तय कर लेंगे। कायरा साहब, मैं एक सवाल बेवकूफाना पूछने लगा हूँ, माइंड रखिए, नहीं मैं मासूमाना, ये बेवकूफाना सवाल है पहले, और कायरा साहब से मैं सीखना भी चाहता हूँ, जाहिर है कायरा साहब की उम्र गुजर गई ये काम करते हुए। कायरा साहब, एजेंडा होता है उसके मुताबिक एपीसी होती है, एपीसी होती है उसके बाद एजेंडे सेट नहीं होते, अगर मैं, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं, इस मुल्क आप सारे इकट्ठे, ये थोड़ी होता क्या चल मिलके बैठने देख लेंगे करना की है, पहले होता है करना की है, ये करना है, लेट सेट टुगेदर, ये मुझे मंतक तो समझाइए, आप क्या मुझे समझा रहे हैं कि पहले एपीसी आएगी फिर एजेंडा तय होगा। मैंने ये नहीं कहा, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या मेरे कहने में कोई गलती लगी जो आप इस तरह इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि फजलुर रहमान साहब मौलाना अपना एजेंडा एपीसी का देंगे, हमने इन प्रिंसिपल ये तय किया कि अपोजिशन की जमातें इस बात पे मिल बैठे कि हुकूमत का इस वक्त जो तरीकाकार है, जो असलूब है और जो उन्होंने प्रोमिस किए थे और जिस तरह को सिमत लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़े डिप्रेशन आए हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ उनके बुजुर्ग के बयानबाजी के हम 18वीं तर्मीन के ऊपर ये करेंगे वो करेंगे हमें कबूल नहीं है लाइक दिस, तो इसके ऊपर अभी एजेंडा वाजे हो जाएगा। लेकिन काशिफ साहब, आखिर में फिर ये कह दूं कि जब हम पहली एपीसी जो अपोजिशन की जमातें जिसमें इकट्ठी हुई थी उसमें कोई ओपन एजेंडा, पीपल्स पार्टी अपना एजेंडा लेके आई थी, वो अपना एजेंडा मौलाना फजल रहमान और एएनपी और मुस्लिम लीग लेके आए थे, मुस्लिम लीग का एजेंडा हमारे साथ मुत्तफिक नहीं था, एएनपी और पीयूआई जो थे वो बिल्कुल इत्तेफाक राय करके बैठे थे कि बायकॉट करें, तो मुख्तलिफ एजेंडा के साथ भी एजेंडा था ना कायरा साहब, फिर भी यही एजेंडा होता है, इलेक्शन में धांधली पहला नुकता था जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक थी, इस बात पर इसके ऊपर करना क्या है, असेंबली जाना या नहीं जाना, वो एक इख्तलाफ जरूर होता है, लेकिन एक क्लियर हमें कब, अच्छा लेट मी पुट इट दिस वे कायरा साहब, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, मैं अपना सवाल दोबारा पूछता हूं, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा, मैं कभी आपसे, जब आपकी एपीसी चल रही थी सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही थी चाहे स्पीकर के घर पे हो चाहे किसी और के घर पे हो, कभी आपसे किसी ने पूछा सर आपका एजेंडा क्या है, क्योंकि सबको पता था एजेंडा क्या है, सबको पता था कि इश्यूज क्या है पाकिस्तान में, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में तहफ़ुज़ आता है, पार्टियां इलेक्शन असेंबली में जाना चाहते, किसी ने आपसे ये नहीं सवाल पूछा, अब ये अगर पूछा जा रहा है इसलिए क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि आप करना क्या चाह रहे हैं एज ऑपोजिशन। नहीं, हम तो सिंपल कह रहे हैं काशिफ साहब, आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने जो ये मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसका कोई तल्लुक हकायक से नहीं है। आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा उस पर सवाल यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने तो इस्लामाबाद में भी और लाहौर में मजीद वजाहत से ये कहा कि हम इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहते, हमारा इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा एजेंडा नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी सिमत तो दुरुस्त करे, अपोजिशन की जमातें बैठ के अपना नुकता नजर जो है इस पर इत्तेफाक राय कर सकती है कि इनका इकोनॉमिक एजेंडा दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाए। अच्छा चले, मैं एक ब्रीफ सवाल, मैं चाह रहा था कि एपीसी आगे चला जाऊं, लेकिन एक सवाल मेरा भी रहेगा, इकोनॉमिक एजेंडा दुरुस्त नहीं है आप लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे आज तक सर आपकी तरफ से तनकीद तो आई, सोल्यूशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में होते डॉलर ऊपर ना जाता, जबकि आपकी हुकूमत के दौरान 3600 रुपए डॉलर चढ़ा था जो कि किसी भी माजी की हुकूमत से सबसे ज्यादा, आपकी हुकूमत के दौरान आपने पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई, महंगाई बढ़ी, आपके इत्तेहादी एमके वाले भी आपको छोड़कर चले गए थे कि महंगाई के खिलाफ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर कि कौन सी चीज है जिससे एतराज है आपको कि ये चीज जो है ये गलत है, इससे मुल्क का नुकसान। वासी साहब, आपको याद होगा हमारे दौर में तेल की कीमतें 65 डॉलर से 145 डॉलर पे गई थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। ठीक, हमारे दौर में अगर महंगाई बढ़ी थी तो हमने उसको साथ काउंटर भी किया था कि हमने सैलरीज में और पेंशन में इजाफे किए थे, हमने बीआईएसपी के जरिए इसमें इंटरवेंशन की थी। तो ये नहीं होता कि अगर एक जगह आपकी मजबूरी है, हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो यकीनन पाकिस्तान के हालात उस वक्त दहशतगर्दी बड़ी खौफनाक थी, उन हालात में हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और हमारा रेवेन्यू बड़ा थोड़ा था, हम भी आईएमएफ के पास गए थे बिलाशुबा और पहले साल ही जाकर उनसे कर्जा लिया था, लेकिन आज के हालात में आप हमसे आगे खड़े हैं, आप रोज इस बात पे डिबेट करते हैं, सारा मीडिया इस पे डिबेट कर रहा है कि हुकूमत नवाज की बदौलत आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट किया है और जिससे पाकिस्तान के कर्जे कितने गुने बढ़ गए हैं, महंगाई अभी एक तूफान आने वाला है, अभी वो आपके डोरस्टेप पे है,
तो उसके ऊपर अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होती है और ये कहते हुए होती है कि हम इस गवर्नमेंट को गिराने वाले नहीं है, ठीक है, हमारा एजेंडा इस गवर्नमेंट के खिलाफ वो ये नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा के कोई और गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये तो आपके आप मर्जी वाले हैं, उसको जिस तरह चाहे इंटरप्रेट करें। सो इसका मतलब है, मैं ये समझ रहा हूँ कायरा साहब, कि आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे नून की आए चाहे पीपल्स पार्टी की आए, ना डॉलर बढ़ेगा, ना पेट्रोल बढ़ेगा, ना बिजली बढ़ेगी, ना गैस बढ़ेगी। काशिफ साहब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। तो फिर और क्या कह रहे हैं सर आप? मैं नहीं, एक तो काशिफ आप हंस के मेरा मजाक न करें, मैं बड़ा सीधे नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इत्तेफाक न करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो कह रही थी वो कुछ और था, जो एजेंडा उनका सामने अनफोल्ड हो रहा है वो कुछ उससे मुख्तलिफ है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इतनी तेजी से फ्री फ्लाइट इकोनॉमी को नहीं देनी चाहिए थी, और इससे झटके नहीं देने चाहिए थे, और जो उन्होंने पहले दिनों में वादे किए, सऊदी अरबिया के बजट किया, कहा पास बड़ा पैसा आ रहा है और फिर नहीं आया, ये चाइना गैप नहीं आया, और इनके बहुत सारी कोशिशें थी, IMF में नहीं जाएंगे, इन स्पेकुलेशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी फ्लक्चुएशन हुई, हम ये कह रहे हैं कि इसको स्टेबलाइज किया जाए, और भाई हम ये साथ साथ कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हम नहीं गिराना चाहते, हमारा कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, हुकूमत नहीं गिरेगी, पॉलिसियां दुरुस्त करें। लेकिन मेरा ये ख्याल था कायरा साहब, मैं जरा अब भट्टी साहब से भी ले लूं, मेरे साथ रहिएगा, कि इस तरह के कामों के लिए तो पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, इस तरह की बहसें तो पार्लियामेंट में आज बहस हो रही थी इकोनॉमी पर। देखिए पार्लियामेंट में बहस भी होती है काशिफ, अपोजिशन की जमातें पार्लियामेंट के अंदर भी बैठती हैं, और पार्लियामेंट की बहुत सारी क्यादत वो भी है जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो आउटसाइड द पार्लियामेंट भी बैठती है, ये कोई क्यामत वाली घड़ी तो नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को गिराने और उसको डिस्टेबलाइज करने वाले नहीं है, हम कोई ऐसी मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई धरने नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं तो समझ नहीं, आपका हक है धरना देना चाहे एहतजाज करे ऑपोजिशन का, मैं तो दिस इज ऑपोजिशन राइट वाली बात ना करें ना, कि जिस दिन धरना देना है मैं उसको कंटेनर देता हूँ, आप कह रहे हैं उसको पानी पिलाऊंगा, छोड़े इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं धरना धरना गैर आईनी गैर कानूनी काम है, पॉलिटिकल मूव नहीं है धरने देने की, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, धरने होते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ, धरना इन्होंने जो दिया था, ये बेचारे गए थे यूटिलिटी सोर्स वाले, उनके साथ क्या किया क्या, उनका पानी भी बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी। ठीक, देखिए पहली बात कल तक मुझे नहीं पता था कि मेरा ख्याल था कि इस APC का ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई रोड मैप है। APC हो किस पे रही है? महंगाई पे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पे नहीं, मैं अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ किस लिए हो रहा है, नाकस कारकर्दगी पे नहीं। अगर APC मिसाल के तौर पे, हम कायरा साहब तो गिराना नहीं चाहते, अगर हम गिरा लें तो उसके बाद कई APCs इस पे होंगी कि अब अगला हमारे में से कौन होगा, क्या नून पीपल्स पार्टी को वोट वज़ीर-ए-आज़म को देगी? नहीं। क्या PP नून को देगी? नहीं। क्या ये दोनों मिलकर मौलाना साहब के बेटे को देंगे वोट के वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए? बिल्कुल नहीं। तो और दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब क्यों करें, जबकि नवाज शरीफ साहब क्यों करें? अपने लिए चांस कोई नहीं, मरियम के लिए चांस कोई नहीं, शहबाज शरीफ साहब के लिए वो अच्छे वक्तों में उन्होंने शायद खान अब्बासी को दे दिया था, तो वो शहबाज शरीफ को देंगे? हमजा और अपने घर में उसको प्रमोट करेंगे? नहीं। APC किस लिए हो रही है? APC किस लिए हो रही है? लेकिन सर अनाउंसमेंट हुई थी 45 दिन बाद की, मेंबर हो ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मेंबर नहीं थे ना सर, ये तो शौकत अजीज भी मेंबर नहीं थे, लेकिन अगर पार्टी फैसला करे तो हो जाती है। आज अपने अल्हम्दुलिल्लाह कायरा साहब को गुस्से में दिला दिया, हमारे मुद्दल भाई हैं, लॉजिकल भाई हैं, तो अब अच्छा अब APC किस पे हो रही है? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस रेफरेंसेस खत्म किए जाएं, जरदारी साहब ने जो अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं तरमीम की आड़ में छुप के उन्होंने सिंध कार्ड खेड़ा है कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग खत्म की जाए, और शहबाज शरीफ साहब को जो 12x12 और वो जो कमरा है वो ख़त्म किया जाए, चहेतों को ना पकड़ा जाए, तोतों को की तरफ ना जाया जाए। APC है, मैंने पहले भी कहा ये तमाम इस पूरे सिनेरियो पे होता है, किस पे? हाल बचाओ, आहल बचाओ, माल बचाओ। मौलाना साहब इस आज ड्राइविंग सीट पे क्यों हैं? क्योंकि मौलाना साहब में 5 साल बचाओ, कि मैं 5 साल बाद इस जहन्नम में जाए, ये सारा क्या सिस्टम चल रहा है जिसमें मौलाना साहब नहीं है? 34 लाख की लस्सी, वो 5-6 मीटिंग्स कश्मीर कमेटी की, 44 लाख की, 34 ही 44, नहीं मैंने वो साहबा ने कहा ये वाकई को फैक्ट है, 44 नहीं, नहीं कह तो रहे हैं अब, उन्हें मौलाना साहब ने कोई तरदीद नहीं की, अगर 44 की नहीं 34 की नहीं 24 नहीं, लेकिन अलहमदिल्ला लस्सी, इसका मतलब उसका कसूर क्या था? तो इसका मत अब अलहमदिल्ला बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये APC ये है कि अपने जो हमारे खिलाफ, यानी ये जो चल रहा है
इसको अल्लाह के नाम पे इसको ख़त्म करो, ये बिल्कुल आगे चले, आगे मुल्क चले, फिर एक हमें मौका मिले, फिर हम वहीं से काम शुरू करें। मैं आपको बताऊं भट्टी साहब, मैं जरा अली मोहम्मद साहब से पूछूं। अच्छा, मुझे एक लाइन सिर्फ कहनी है। और मैं अगर कह दूं, मेरा ये ख्याल है, देखिए ऑपोजिशन के इकट्ठे होने, एतराज करने, तनकीद करने में कोई एतराज नहीं। अभी सुने फॉर एग्जाम्पल 18वीं तरमीम तब्दील करने की रिजादारी साहब ने कहा चीज, 18वीं तरमीम कह ले सकते, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, कर ही नहीं सकते उसकी आड़ में, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आड़ में। और अचानक उनको याद आ गया, जो सिंध में कच्ची टाकी फिल्म चल रही है वो नहीं, अचानक याद आ गया कि ये तो आईन कानून और मनी लॉन्ड्रिंग। मैं कारा साहब ब्रीफ जवाब, मेरे पास दो मेहमान और हैं, मैं उनका भी ओपिनियन लेना चाहता हूं। बिल्कुल, वेरी ब्रीफ। पहली गुजारिश ये है कि हम अपना माल बचाओ और अपने मुकदमे बचाओ, और अब नवाज शरीफ साहब भी और हम भी इसलिए कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब उस एपीसी में नहीं जा रहे हैं। अब अपने आर्गूमेंट को जरा गौर कर लीजिए, कितना उसमें सीरियस है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने कहा कि 18वीं तरमीम करने पे को रिवर्स करने के लिए दबाव है, तो हमें भी इस बात का इल्म है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं, दबाव इसलिए हो सकता है कि हम ये आम डेमोक्रेटिकली को वोट चेंज करता है पार्लियामेंट के जरिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये भी ये दबाव पीपल्स पार्टी पर भी हो सकता है। इसमें 24 तरमीमें हो चुकी हैं, 18 हो चुकी हैं, तो 19वीं भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उनके पास चांस ही नहीं, उनके पास मैंडेट ही नहीं, उनके पास ताकत ही नहीं। मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आई कि हम तो ये कह रहे हैं कि सेम टू यू कह रहा साहब, मैं भी अब तक नहीं समझ सका। सुन ले ना भाईजान, मैं सुन रहा हूँ, आप दो फिक्र मुझे भी बोल लेने दे, कोई मुझे बाइगार्ड नहीं लॉजिक सर। लेकिन पार्टियों को कोई भी फोर्स तो नहीं कर सकता कि अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट जाए। आर्गुमेंट है ही सिवाय जाती है अपने ख्यालात के, अदरवाइज लॉजिक ही नहीं है। और सेम टू यू कह रहा साहब, सेम टू नहीं है, हमारे वोट लेना चाहते हैं दबाव डाल। आई लव बोथ ऑफ यू। जस्ट अली मोहम्मद साहब, आप भी देख रहे हैं ये एपीसी, ठीक है, लग रहा है हुकूमत भी आ रही है, आपकी पार्टी की तरफ से भी जो रिस्पांस फवाद चौधरी साहब की तरफ से आता है, दूसरों की तरफ से, वो भी यही है कमोबेश जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि शायद करप्शन केसेस, इज दैट ये सोच है आपकी पार्टी की कि इस वजह से ये एपीसी हो रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम मुबारक अला सय्यदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए फिलहाल तो इनका कोई ऐसा एजेंडा नजर नहीं आ रहा, और मियां साहब ने इनकार भी किया है, तो आप ये कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एजेंडा। देखें, एक चीज़ मैं इस पे, मैं पहले भी मैंने बात की है और आपसे, मैं इस पे 200% एग्री करता हूँ कि अगर अपोजिशन एपीसी करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, लेकिन उसका एजेंडे का भी पता नहीं है, तो लग ही रहा है कि कोई वे आउट शायद किसी एनआरओ वगैरह की तलाश है, कोई किसी वे आउट की तलाश है, अकाउंटेबिलिटी। अब काशिफ साहब, अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्टार्ट है तो हमने तो नहीं स्टार्ट किया केसेस, हमने तो आपका भी ख्याल है एहतसाब की वजह से एपीसी मे बी हमारा हमारे इस तरफ रुझान बहुत ज्यादा इस बात पे है कि शायद ये, और उसकी वजह क्या है, कोई वे आउट, क्योंकि आपको कोई और चीज नजर नहीं आ रही कि किस और वजह से। जैसे दो तीन चीजें हो सकती हैं काशिफ साहब। नंबर वन, एक होती है लॉन्ग टर्म पिक्चर, एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म पिक्चर। शॉर्ट टर्म पिक्चर में हुकूमत जो है स्टेप्स लेती है, जिसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, गलत आप रिवर्स करते हैं, सही आप लेके जाते हैं, उस पर तनकीद भी होती है। लॉन्ग टर्म पिक्चर में जो है वो उस पर तो आप अभी कर ही नहीं सकते, यानी कि हमारी पॉलिसीज का रिजल्ट तो 2 या 3 साल बाद आप कहेंगे भाई ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, उसके इफेक्ट्स ये हैं। इफेक्ट्स पे तो बात ही नहीं है ना, अभी तो आप एक्ट्स पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस पे करें कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो असद साहब लेके आए हैं, या जो हमारी और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी है, फॉरेन जो अफेयर्स की जो शाह महमूद तेज साहब चला रहे हैं, या खान साहब खुद कुछ मिनिस्ट्रियों को खुद हेड भी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इस पर आप करें, बिल्कुल करें, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर उस पर करते हैं वेल एंड गुड, बिल्कुल करें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज़ जिसकी निशानदेही मैं जरूर करना चाहूँगा, एक बड़े पॉजिटिव स्पिरिट में कल हमने एक सजेशन दी, ये मैं सेनेट में मैंने एक दफ़ा बात की थी, प्लीज़ मुझे आधा मिनट, क्योंकि काफ़ी देर सुनता रहा हूँ। सेनेट में मैंने इस पर बात की गाज साहब, कि बजाय इसके कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाए और अपोजिशन उस पर चीखे चलाए, उदम मचाए और कुछ भी ना हो, आप, मैंने सजेशन दी कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी पे एक चार्टर बनाएं अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके 20-25-30 पॉइंट्स की। और मैं आपको बताऊं सर, प्लीज प्लीज, इस पे डार साहब मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये लफ्ज आपने एक बोरो किया, सुन ले मेरी सर, आधा मिनट मुझे दे दें, मैं आपसे आपको दे रहा हूं डार रिक्वेस्ट, चले वो डार साहब का शॉट भी हमारे पास, मेहमान की आपको सुना लेते ना, सुन ले मेरा कंप्लीट हो जाएगा, नुक्ता बड़ा अच्छा है सर मेरा कंप्लीट। असद उमर साहब का इस पर जवाब ये था कि जनाब पार्लियामेंट किस लिए अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, सर मेरा कंप्लीट हो जाए ना। मैंने वहां बात की, सेनेटर्स ने बड़ा उसको पसंद किया, फवाद चौधरी साहब ने एक तजवीज दी, फवाद जिनके खिलाफ ये बड़ा बोलते हैं, चौधरी साहब ने तजवीज दी कि इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप अपोजिशन को हम लेके चलने के लिए तैयार हैं, हमने उसको किया, मूव किया। आज 3-4 मरतबा कुरम ने पॉइंट आउट किया, क्या कुरम पॉइंट आउट करना जरूरी है?
क्या वो तो आपका इजलास नहीं चलने देना चाहते ना, ये तो बड़ी बात इसका मतलब है ये इतने सीरियस हैं अवाम के मसाइल हल करने के लिए, आप इतने सीरियस हैं, आप हल नहीं चाहते? अगर अपोजिशन आपके साथ, हुकूमत जो है वो तावन करने के लिए तैयार है अपोजिशन के साथ, आपने आज कोरम पॉइंट आउट करना जरूरी था, वो हमने पूरा कर दिया, फिर आप अपोजिशन बॉयकॉट करके चले गए। मैं ही समझता हूँ सीरियसनेस होनी चाहिए अवाम का। आखिरी बात काशिफ साहब, अवाम को लगे कि इस पार्लियामान से उनके मसाइल हल करने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही है। लेकिन अली मोहम्मद खान की जो है ना इंटेंशन, वो बड़ी अच्छी इंटेंशन है, लेकिन अली मोहम्मद खान नहीं है बंदा जो वहां पर बैठ के पूरे हाउस को और ट्रेजरी बेंचेस को कंट्रोल कर सकता है। जो वहां से जुमले और अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आज एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया कि गुमराह, अब जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है मजहबी किताबों को उठा के देख ले, मौलाना फजलुर रहमान के उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया गुमराह, शाह महमूद कुरैशी साहब बचाए कि उस मामले को वहां पे खत्म करते, एक्सपेंज कराते और आगे कार्रवाई चलवा देते, क्या इशू था? नहीं, ये क्या तरीका है? वैसे मुझे बात बताएं, आप ये फैसला करेंगे देखें कि कौन सा लफ्ज को इस्तेमाल कर सकता है कौन नहीं कर सकता, आप ये पार्लियामेंट चलाने का तरीका है? जी बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट में खड़ा हूँ, गैर पार्लियामानी अल्फाज सब जानते हैं कौन से, अब्बासी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर आप लफ्ज का चुनाव मुताद तरीके से नहीं करेंगे तो लड़ाई पड़ेगी। आपका ख्याल गलत ना, गुमराह की जिस तरीके से वहां पर इंटरप्रिटेशन हो रही थी, वालिद साहब की एक एक्सप्लेनेशन नहीं, अब्बासी साहब गुमराह का लफ्ज अगर आप जाके देखें तो वो मजहबी हवाले से गुमराह का लफ्ज उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है जो मुनकर थे, आप तारीख उठा के देखें, इस्लामिक प्रिंसिपल उठा के देखें, मजहबी यार वो मौलवी साहब थे ना, आपको नहीं, अब्बासी साहब बात यह है कि पार्लियामेंट इस तरह भी नहीं चलेगी कि जब आपका डिप्टी स्पीकर खुद पार्टी बन के एक पूरा लेक्चर देना शुरू कर दे एक इशू के ऊपर, पार्लियामेंट इस तरह नहीं चलती। वो आपको देखना पड़ेगा अपने डिप्टी स्पीकर को, आपका स्पीकर, लेकिन सर अगर आपका स्पीकर ऑपोजिशन, सुन ले अगर आपका स्पीकर ऑपोजिशन की एपीसी होस्ट करे, इज दैट फेयर? देखिए मैं आपको नहीं मुझे इसका जवाब दें, अयाज सादिक के घर में हुआ या नहीं हुआ अपोजिशन का इजलास? नहीं, अपोजिशन का इजलास कहां, अभी ये जो लास्ट वाला हुआ, स्पीकर थे नहीं, वो जो लास्ट तो होते रहते हैं। अच्छा, उसमें क्या बुराई है? उम्मत के खिलाफ स्पीकर के घर और आपके होते नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर उसने लेक्चर दे दिया आपको प्रॉब्लम क्या? लेक्चर नहीं था वो लेक्चर उस वक्त जिस मौके पे और जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, वो इस बात को मजबूर करने वाली बात थी और ज्यादा उसके ऊपर मतलब नहीं हो सकता कि अयाज सादिक साहब गलत करें तो आपका स्पीकर, देखिए मैं ये कह रहा हूं, गलती के ऊपर अगर आप तेल फेंकेंगे तो आग लगेगी, और स्पीकर की तरफ से जब इस तरह की बात आएगी तो और आग भड़क उठेगी। सर ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक बात, मेरी बात जो एपीसी के बात कर रहे हैं, एपीसी, मैं एपीसी पे आता हूं, ना कोई एजेंडा ना कोई डायरेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसग्रंटल्ड, यानी डिसग्रंटल्ड के उर्दू में क्या कहेंगे, ऐसे लोग जो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मायूस कर ले या मायूस भी गलत लफ्ज है, अब्बासी साहब तुसी इकट्ठा होना चाहते हो कि समहाउ वी नीड टू डू समथिंग। अब्बासी साहब पहली बात, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह यह है, ना वजारत है ना हुकूमत है, इसकी मेन वजह यह है कि ऑपोजिशन पिछले 2-3 माह से सेम पेज पे नहीं थी, और उसके बीच पेज में पेज मीन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, जब एजेंडे पे है ना सर, वो मैं उसपे आ रहा हूं ना, अब वो सेम करना क्या चाह रहे हैं आप ये बताइए सर, करना ये चाह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव, हमारा ये मौकफ है मुस्लिम लीग नून का, कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का होना चाहिए ताकि इनकी डायरेक्शन हम सेट करें जहां पे ये गलत काम कर रहे हो। क्या पार्लियामेंट बंद कर दें? अब नहीं, पार्लियामेंट नहीं बंद करेंगे, पार्लियामेंट किस लिए? देखिए पार्लियामेंट तब चलेगी ना, पार्लियामेंट तब चलेगी जब आप उसके बीच में एक काम करें कि आप उसमें सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, अगर आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तो करेंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अगर आप यस, अब सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ना बिल्कुल नहीं, आपके एहतसाब हमारा एजेंडा का एहतसाब सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमारे खिलाफ सिलेक्टिव हो रहा है, इस वजह से हम इकट्ठे हो रहे ताकि हम ये करेंगे। इकट्ठे समझ आ रही ना बात, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं कि नैब की जो वर्किंग है उसके बीच में हम नैब जो कुछ मर्जी करे, जिसको मर्जी पकड़े, लेकिन उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैजीसा ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि नैब मुशर्रफ की वकील है या नैब जो है वो यहां पे हदैबिया पेपर मिल का जो केस है उसकी जो डिसीजन उसको सेटिसाइड कराने आई है। काजी फैजीसा को क्यों ये मजबूरी पड़ी, उसको कहना पड़ा कि यार तुम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कब एहतसाब करोगे? एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये बातें ना करेगा? ये हदैबिया पेपर मिल का केस जरा गौर से पढ़े, मुझे लगता है कि ये भी देखना चाहिए था किसी को, जो मर्जी देखे क्यों ये पीले नहीं दायर हुई। अब्बासी साहब देखिए, सिटिंग गवर्नमेंट, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ ये केसेस थे, वो केसेस कैसे दबाए गए,
वो केसेस खुले क्यों नहीं? अगर अगर हाँ, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को 8 साल बाद रिलीफ मिल सकता है वो तो आज ये बात कर रहे हैं कि आप सिटिंग लोगों के खिलाफ बात क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? इनके बंदे उठाएं। अब वही तो हम कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और नैब क्या कर रही है, वो एक्सपेंड करा रही थी वो पैराग्राफ जिसके बीच में मुशर्रफ साहब ने जब एनओ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस नाफिज किया और जनरल साहब जो थे एक्टिंग जनरल क्या नाम था उनका वो जो जिनको बनाया था चेयरमैन अकाउंट, नहीं नहीं सर वो जनरल अमजद साहब, जनरल अमजद भी थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे शायद अजीज साहब भी थे, अमजद साहब भी थे, खालिद मकबूल साहब भी थे, वो स्पेसिफिक पैराग्राफ एक्सपंज कराएं। अब हमें ये बताएं कि एक बंदा जिसने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया आप उसका व्हाइट वॉश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री को, रूल ऑफ लॉ की। आप मुझे थोड़ी ये समझ आ रही है, अब ये चीजें वो हैं जो नैब की बायसनेस बायस नैब ला रही है। देखे फिर एजेंडा डिसाइड सर, अब वही तो बात है ना, हमारा एजेंडा ये है कि एहतसाब हो रहा है उसमें बायस है, उसमें हुकूमत और नैब मिली हुई है आपस में, इस वजह से हम सारी ऑपोजिशन मिलकर कोई लायमल देंगे इस पर। अब समझ में आती है बात, देखिए हम एपीसी कर रहे हैं लेकिन उसका एजेंडा कोई नहीं, 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 नहीं आता। देखिए अभी ये मेरी एक अपनी मतलब अभी फाइनल एजेंडा नहीं हुआ, दिस इज व्हाट आई हैव इन्फर्ड, दिस इज व्हाट आई बिलीव इट शुड बी डन। मेरा अगर व्यू पूछा जाएगा तो मैं तो यही बात करूंगा साहब, एक लाइन, इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड। एक ब्रेक से पहले एजेंडा ये है कि एहतसाब मत करो वरना जमहूरियत खतरे में, नहीं ये हम नहीं कहते, ये इनकी लाइन अब कोई बायो नहीं करेगा, वरना जमहूरियत खतरे में निकल गया है। अब हम कहते हैं कि नवाज शरीफ को आपने गिरफ्तार कर लिया, शहबाज शरीफ अभी भी नैब की कस्टडी में, हमें कोई अब परवाह नहीं है। इसके आगे कहते हैं ना राजनपुर के आगे कोई जिला है और ना कांस्टेबल से नीचे कोई ओहदा है, हमारे लिए वो बात नहीं रही। हमारे लिए ब्रेक के बाद एक बात करें, वो तो सिलेक्टिव। वेलकम बैक नाज़रीन। अब दूसरा मसला आईजी इस्लामाबाद की ट्रांसफर का और उस पर जो दलाइल सामने आ रहे हैं हुकूमत के, उसके भी कोई मंतक कोई लॉजिक समझ नहीं आती है। वैसे ही है जैसे बगैर एजेंडे के एपीसी है। अली मोहम्मद खान साहब ये बताइए कि अगर एक आईजी या कोई ब्यूरोक्रेट आपका फोन नहीं सुनेगा और एक बहस किसी के फार्म पे घुस जाएगी तो उस पर आईजी हटाए जाएंगे आइंदा से? ये सब ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाना चाहिए आज से। हुन तो इमरान खान गुस्से में बोल लेने तो आगे से कहते हैं आईजी। वैसे जितनी ये भैंस की मशहूरी हुई है एक दो तीन दिनों से, हमने नहीं की है, आपने की है सर, किसी को पता भी नहीं होना था कोई भैंस का मसला भी है। भैंसे तो पुरानी सर, कुछ पिक्चर्स आपको भेजी हैं आजम सवाती साहब ने, उसमें कुछ बंदों की तस्वीरें हैं, मुझे भी भेजी हैं आजम सवाती साहब जिनका इशू है, वो उनको गार्ड हैं, उनकी हालत जो मैंने देखी है उनका खून निकल रहा है, नाके उनकी टूटी हुई हैं, उनका इधर सारा खून है, उनके गार्डों को जो उनके गार्ड्स हैं। तो आप क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए? सारी चीजें आपकी मान ली, उनके गार्डों को मारा गया, पकड़ा गया, जदोकोप किया गया। सुने सर सुने, बट ही सेज कि उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की, बार बार कॉल करते रहे, उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जो आईजी साहब हैं पहले मैं इमरान खान साहब की बयानात आपको सुनाऊं इलेक्शन के पहले की, उसकी बुनियाद पर फिर मुझे फैसला सुनाइए ना कि 22 घंटे तक अगर आपका ये मुश्किल में अभी खबर ये भी है कि शायद एक दो दफा गुफ्तगू हुई भी है, एसएसपी को अपॉइंट किया गया था कि आप इस मसले के ऊपर बात करें, और भी मसले हैं ना इसमें और मसले नहीं है, यही मसला है सर। एपीसी का एजेंडा क्या है? ओ जी हैं बड़े मसले हैं, एजेंडा यही मसला है। बताता हूं सुने इमरान खान साहब क्या कहते थे, आपने इनको रेस्ट कर दिया पुलिस के बारे में लंबा देखा। उनका सबसे बड़ा क्लेम यह था कि हम वो हुकूमत है जिसने पुलिस को गैर सियासी किया, और गैर सियासी क्या होती है? जिसके ऊपर सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होता। और वो गैर सियासी कैसे होती है कि सियासतदान के फोन ना उठाने पर आईजीज को बरतरफ या ट्रांसफर नहीं किया जाता। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, सुनिए इमरान खान साहब क्या कहते। आईजी इधर आओ मेरे से बात करो, ये पुस्तल आदमी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठा है इसकी बात ना सुनो, क्योंकि इसने तो बाहर जाना है, इसे लंदन चले जाना है, तुमने इधर रहना और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या आप नून लीग की पुलिस हो, क्या आप शरीफ खानदान के नौकर हो, या पाकिस्तान की पुलिस हो? शरीफ खानदान से हुक्म नहीं आएगा, उनको नौकरों की तरह नहीं रखा जाएगा, हम उनको एडी ख्वाजा सिंह का आईजी को तब्दील किया, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो वो कैसे पुलिस ठीक होगी? वो हमजा शरीफ वहां बैठा था, वो SHO जब तक वो साइन नहीं करता तो SHO नहीं वहां बनता। सारी पुलिस इन्होंने अभी इन्होंने कहा है आईजी पंजाब को,
आपको रिक्वेस्ट की थी, वो पिक्चर्स जरा देख लें, वो पिक्चर्स देख लें, सुन लेना, वो भी इंसान है, उनके जो गार्ड्स हैं, क्या उनकी गुनाह हो गया है? वो आजम सवाती के गार्ड्स हैं तो वो इंसान नहीं है? ठीक, उनका कोई हक नहीं है उनको आके क्योंकि बंदा इस तरह मार के चला जाए? आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लुक एट द फैक्ट्स, डोंट मेक वन साइडेड ओपिनियंस प्लीज। ओके, लेट्स नंबर वन। आप एक सेकंड, रुक जाओ, मेरी मेरी पसंदीदा तस्वीरें आ गई हैं, उनकी पट्टियां बंधी हुई हैं बहुत सारों की, आई एम श्योर उनका मेडिकल वगैरह हुआ, हां बेचारे उनको ठीक सही ठीक ठाक उनको किसी ने कुटा। आप मुझे ये बताएं कि ये इकलौता वाकया इस्लामाबाद में जिसमें किसी को मार पड़ी और आईजी ने नोटिस नहीं? सर, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप पूरा सुनने का हौसला रखते हैं या सुनना चाहते हैं, आईजी इस्लामाबाद को इस इशू पे नहीं हटाया गया, उनके खिलाफ अभी जो मैंने रिपोर्ट ली है, अभी जब मैं आ रहा था मुझे जो बताया गया वो ये है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब उनसे रابطہ करने की कोशिश करते रहे, उनके ख़िलाफ़ कुछ इश्यूज़ थे, आईजी साहब के ख़िलाफ़ कुछ इश्यूज़ थे कि उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं था। मैं समझता हूँ बड़े ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, डीपीओ पाक पतन रिस्पांस देता, आपके पास आता है उसको भी हटा देते हैं। सुन लेना, नहीं नहीं आप भी सुन लेना, थोड़ा सा मसला ये दोनों केसेस, मैं तो बैठा हूं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, दोनों मेरा वक्त जा रहा है ना सर, दोनों केसेस एक जैसे, मैं सब जवाब दूंगा, दोनों केसेस एक जैसे, एक में आपकी सुटकी हो चुकी, एग्जैक्टली वही काम आप दोबारा करें। सर मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप अपना जवाब देखें। इनके खिलाफ इश्यूज थे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता आईजी साहब कोई डिसऑनरेबल या कोई इनकॉम्पिटेंट, उनको रिस्पांस देना चाहिए था, उनको रिस्पांस देना चाहिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इस वजह से हिज ट्रांसफर वाज ऑन द कार्ड्स। नाउ नंबर वन, क्या मुल्क के वजीर आजम के पास इख्तियार है एक आईजी को चेंज करने का? यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या इख्तियार है कि जब दिल करे चेंज कर? नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक इशू है कि क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है, इसमें एक सुकम है कि समरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से गई है या नहीं गई, एस्टैब्लिशमेंट की जो सेक्रेटरी साहब की तरफ से समरी गई है उनको समरी भेजनी चाहिए थी। इख्तियार की बात कर रहे हैं, वजीर आला के, वजीर आजम के पास इख्तियार है या नहीं, मसला ये नहीं कि इख्तियार है या नहीं, मसला ये कि क्या इख्तियार है और किन सर्कमस्टांसिस में, क्या किसी का फोन ना उठाने पर या किसी हर इस्लामाबाद के शहरी को ये इख्तियार या हक हासिल है या आईजी का नंबर है कि जब उसके घर को आके मारता है उससे ज्यादती होती है या मरवाया जाता है या जो भी होता है वो आईजी को फोन करता है और आईजी उसको रिस्पांस करता है और अगर ना करे 22 घंटे तो उसको हटा दिया। ये क्या कानून में लिखा है कि अगर 22 घंटे या 24 घंटे या 22 काले आईजी ना सुने तो उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा? नंबर वन, ये अच्छा मुझे स्वाति साहब ने तस्वीरें भेजी, मैं इसमें ऐड कर, बड़ी ज्यादती हुई अगर ये हुआ तो जिन लोगों को मैंने देखा बेचारे कमजोर से लोग हैं, मैं मुझे लगता नहीं कि वफाकी वजीर से झगड़ा करेंगे, बट एनीवे मैं सवाती साहब की बात फेस वैल्यू पे ले लेता लेने बा, उसके बावजूद कि ये लोगों की पट्टियां बने, क्या एक आम शहरी के साथ भी यही होता, यही तरीकाकार है कि उसको मार पड़े और आईजी बरतरफ हो जाए? नहीं देखिए, इलेक्शन आप ये भी मान लेते हैं के सवाती साहब के गार्ड्स के साथ ज्यादती हुई, ये भी मान लेते हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए आईजी आए थे, ये वो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे और अचानक इमरान खान साहब को याद आ गया कि इलेक्शन हो गए हैं। अच्छा तो वो कह रहे ना इश्यूज और भी हैं, एक सेकंड रुक जाए, फवाद साहब ने आज एक बयान दिया, मैं इसमें ऐड करता जाऊं ना ताकि ये जो अब कहानी लेकर मंजरे आम पर आए कि उनके थे, फवाद साहब ने ये नहीं कहा कि उनके इश्यूज कुछ और है, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है अगर इलेक्शन कराने का क्या फायदा अगर आप हमारा फोन नहीं सुनते, तो सुने जरा, इस तरह से आईजी फेडरल मिनिस्टर जो है उसका फोन अटेंड ना करें और वापस फोन करने की जहमत ना करें, ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि आप फोन ना उठाएं तो आप जो हैं वो हीरो बन जाएंगे, अब ब्यूरोक्रेट्स के जरिए ही हुकूमत चलानी है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाते, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईजी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता तो फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फायदा है? आपको जो स्टोरी दी गई है ना कि इसके और मसाइल है, वो मसला फवाद साहब भी ये कहते हैं मसला सिर्फ फोन का है। मैं कह रहा हूँ चौरी साहब दोस्त हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, उनको बुला ले इलैदा स्टोरी होगी, अली अमीन गंडापुर खालिद शहद वाले को बुला ले इलैदा स्टोरी होगी, अली मोहम्मद खान साहब को बुला ले इलैदा स्टोरी होगी, इमरान खान साहब को अभी इस वक्त कॉल पर ले लें इलैदा स्टोरी होगी। मान लिया कि वो ज़ियाती आज़म सवाती के साथ हुए, वो असल में पहले पता क्या फिल्म लगी हुई थी, पहले हमारे सिनेमा में 37 साल फिल्म लगी रही जीरा ब्लेड, अब अथरा इनकलाब सिस्कता इनकलाब अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब वो फिल्म है, यानी इधर से अली ज़ैदी 30 गाड़ियां लेकर निकल जाता है, इधर से वो डीपीओ पाक पतन वाला हो जाता है, वहां भी पुलिस की ज्यादती है, इनका पोस्टर बुरा बॉय
جس پہ پوری تبدیلی فلم کا ہیرو مسل والا ناصر درانی پلٹ کر خبر نہیں لی. آئی جی پنجاب بھی غلط ہے. اچھا مان لیا کہ دو تین الیکشن کے لیے لائے تھے, اچانک عمران خان صاحب کو یاد آ گیا, ان کو اپنا اختیار بھی یاد آ گیا اس کو بدلنے, یہ بھی مان لیا. وہ فون سننا پسند نہیں کرتی, یہ میں نے سنا ہے کہ فون وہ کم سنتے ہیں, یہ بھی مان لیا, شکایات بھی ہو گئی ہیں. مگر کیا ایک یعنی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے, وہ ان کے بندے جا کے, وہ آٹھ سالہ بچے حافظہ قرآن ان کو کرتے ہیں, ایک گائے کا ویسے کتنا خوبصورت ہے کہیں ایسا گائے نہیں, نہیں کتنا خوبصورت ہے یہ ہمارے اعظم سواتی خوبصورتی دیکھیں, کہیں گائے پہ مرنا پڑتا ہے, کہیں گائے پہ مار پڑتی ہے. یہ دیکھیں یہ تبدیلی جہاں جہاں بھی آئی ہے انقلاب نے یہاں پہ تو ڈرامہ شروع کر دیا. اچھا سنیے, حکومتی اچھا محمد علی نیکوکارا آفتاب چیما کل کے ہیرو تھے, کیوں تھے؟ انہی حکومتوں کو انہوں نے کام نہیں مانے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنے پہ نہیں جائیں گے, ان کے نام لے لے اس میں ایک ڈسٹنکشن کر لیں, اس میں کوئی غیر قانونی کام کرنے کا کہا نہیں جا رہا حکومت کی طرف سے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ان ساروں کو لے کر, بلکہ ایف آئی آر تو دے دی گئی ان کے خلاف. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کل کوئی وزیر بنوں میں وہ اپنا ڈی پی او چینج کروا لے, کوئی وزیر. آئی اگری, دس از اے پرنسپل, یہ اصولی بات ہے آپ کے, یہ اصول غلط ہے رانجھا صاحب کہ اگر آپ کی کوئی فون کال نہیں سنتا بندہ بدل دیں. دیکھیں آپ کو کاشف صاحب جو چیف منسٹر بزدار صاحب نے ایک ماہ پہلے میٹنگ کی ہے اس کے بیچ میں انہوں نے یہ تو اس بات پہ چلے گئے کہ یہ تو ایک آئی جی ٹرانسفر ہوا ہے نا, اور جو میسیجنگ ہوئی ہے اس آئی جی کو ٹرانسفر ہونے سے, اب جو وہاں پر بیٹھا ہوا سرگودا میں ایک تھانے میں بیٹھا ہوا ایس ایچ او, اس کو کیا میسج گیا ہے؟ او بھائی اگلا وزیر جیڑا ہے نا آئی جی تبدیل کرا لینا ہے, بہتر ایسی ایس ایچ او ہاں ایم این اے اور ایم پی اے کو پریشان نہ کرے, ان کی ساری باتیں مانے, چاہے وہ جعلی اور فریولس ایف آئی آر کرانے کسی کے خلاف ان کا حکم آ گیا ہے. اور آپ یہ سنیں کہ بیچارے جیل بھی چلے گئے, دیکھیں بغیر اور تفتیش کے اور اصولی طور پر ہونا ہی چاہیے, غلطی اسٹیبلش ہونی چاہیے نا. یہاں پر تو کہانیاں یہ بھی چل رہی ہیں کہ فارم ہاؤس ہے, پانچ کنال زمین ہے, قبضہ کس کا ہے, قبضہ چاہیے, قبضہ لینا ہے, قبضہ دینا ہے, ایسے کہانی تو عباسی صاحب روز, یہ بھٹی صاحب بھی پنڈ والے بندے ہیں, یہ روز کا معاملہ ہے آپ کے گاؤں میں, آپ کے میں اصل لڑائیاں اس کی راستہ کسی کے آپ کے گاؤں میں آپ کے کسی غریب آدمی کی بھینس گائے آ جاتی ہے چرنے کے لیے, اور یقین کرو جس بندے کو اللہ نے عزت دی ہو, جس کا اتنا بڑا مقام ہو, کیا 200 روپے کھا جائے گی, یہ 500 کے کھا جائے گی, چھوڑ دو یار, درگزر کرو, غریب آ گیا اس کو لڑائی بنا لینی, خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میسجنگ ہو رہی ہے بیوروکریسی کو, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈنڈے سے کام کروائیں گے, اگر ہماری تم نے بات نہ مانگنی تو نہ کوئی انیتا تراب کا کیس چلے گا اس ملک میں, نہ کوئی تمہارا ٹینیور سیکیور ہے, تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اور جو فواد چوہدری صاحب سلطان رائی موڈ میں بھی بیان دے رہے تھے کہ جی وزیر اعظم یہ نہیں کر سکتا, تو پھر ان کو فواد چوہدری تو وکیل ہے, اس کو کہہ راجہ پرویز اشرف والا کیس کر سکتا ہے, ایک کام اچھا, لیکن اس کا گراؤنڈ ٹھیک ہونا چاہیے نا, ایک کام اچھا طریقہ کار ہے. تنقید کرتے تھے, آپ دیکھیں کہ جو آئی جی صاحب ہیں, آپ کو تو شکر کرنا چاہیے ٹائم گزر رہا ہے آپ کا, اپنی دو چیزیں اور انہوں نے کی ہے علی محمد صاحب, مجھے بس سم اپ کرو دو چیزیں, ایک ڈی سی راجن پور, ایک ڈی سی چکوال, ان کے خلاف پیڈا لگایا انہوں نے, ان کے ایم پی ایز ایم این ایز, یہ ہمیں کہتے تھے پٹواری, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز پٹواری تبدیل کرانے گئے, انہوں نے انکار کیا. چلو ایک نے ڈائریکٹلی چیف الیکشن کمشنر کو لکھ دیا, ہو سکتا ہے رولز کے مطابق وہ غلط ہو, لیکن دوسرے نے ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری کو لکھا ہے اپنی بےزتی کرانے کے اوپر, اس کو آپ نے او ایس ڈی لگا کے پیڈا لگا دیا ہے, اور وہ پیڈا کا مطلب ہے کہ نوکری سے نکال دیا جائے گا. اب باقی ڈی سی اس کو کیا میسج آ رہا ہے؟ ایک کام اچھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی کام نہیں کرے گا, اس ساری آپ بیوروکریسی کو سبجوگیٹ کرنا چاہتے ہیں سر. ایک کام, ایک ان کی اتنی لمبی انہوں نے سٹوری سنائی ہے, تو ان کو تھوڑا سا جواب پھر آپ کا جو بریک کے بعد کر لیں اس کو. نہیں, ایک اتنا اچھا یہ کام ہوا ہے کہ چلو ہماری وجہ سے اس کی تو انویسٹیگیشن ہوگی نا, کہ اعظم سواتی صاحب حق پہ ہیں یا وہ لوگ حق پہ ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن شکر ہے ان کو سول سرونٹس اور پولیس والوں کی ڈیپولیٹیسائزیشن, ان کی جاب سیکیورٹی, ان کے ساتھ انصاف سے چلنا, ان کو زور زبردستی نہ کرنا, ان کو یاد آ گیا ماڈل ٹاؤن بھولے کے بعد آتا ہوں میں اس کے اوپر ماڈل ٹاؤن. لیکن سر مسئلہ یہ ہے, یہ علی کہتے ہیں یہ تو تھے ہی ایسے, یہ تو تھے ہی ایسے جنہوں نے بیوروکریسی اپنے کنٹرول میں کر رکھی تھی اور سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے. آپ نے تو اس کو بدلنا تھا سارے, تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. کیسے کریں گے اگر اتنی خراب ہے, پھر ان کا ویوز کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو اس میں چھپ جاتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی خراب.
अगर आपको वोट देंगे तो तेईस जो मर्जी करें आप क्यों जो मर्जी करें कानून है इस मुल्क अगर जो मर्जी नहीं कर सकते फिर आप आईजी को घर नहीं बेच सकते इन चीजों पर मैं आपको एक बात अभी बता रहा हूँ आप इसी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग कराएंगे याद रखिएगा वेलकम बैक नासिर भट्टी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स पीटीआई की गवर्नमेंट को सबक सीखने थे लेकिन बहुत सी चीज़ों में मेरा भी ये ख्याल था जब नए आए थे कि इनको चीज़ों का पता नहीं होगा हुकूमतें कैसे चलती हैं ब्यूरोक्रेसी का डील कैसे करना है कैबिनेट में क्या होता है कैसे होना नए वजीर हैं एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप एक गलती तो कर सकते हैं गलतियों को बार बार दोहराना दैट्स द बिगर प्रॉब्लम आपने सबक नहीं सीखा जो गोंदल साहब के केस में मानिका साहब के केस में पाकपतन में हुआ वही गलती आपने दोबारा इधर की है वही इसका रिएक्शन आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उन्होंने मुअत्तल करके आपको बुला लिया व्हाई आर दे नॉट लर्निंग सीख क्यों नहीं अच्छा पहली बात तो ये काशिफ भाई अभी पता चला है कि आईजी साहब की दो मर्तबा आजम सवाती साहब से बात हुई गुफ्तगू हुई थी इस दौरान जो 22 घंटे की बात की जा रही है दो मर्तबा गुफ्तगू हुई है ये नहीं है कि फोन नहीं सुना दो मर्तबा गुफ्तगू हुई है इसके बावजूद भी सवाती साहब को गरीब आदमी शायद वैसे ही पसंद नहीं है क्या वजह है कि इसके बाद और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके इन पर ट्रस्ट हम करते हैं ये हमें मैं तो कहता हूँ अपोजिशन उम्रे पे सारी चली जाए ना मौलाना साहब लेके चले जाएँ फिर भी हम हमारे प्रोग्राम चमकते रहेंगे दल के बोंगियाँ नलायकियाँ अपने खड़े होते हैं तो अचानक एक दिन पता चलता है एक जुराब काली और एक चिट्टी पा के आ जाते हैं अजीबो गरीब कभी जुत्ती बदल के आ जाते हैं अजीबो गरीब गलतियाँ यानी ये वो गलतियाँ हैं जिसपे दावे वादे ऐसे हाई मार्क्स ऐसे ख्वाब ऐसे कुछ ये चंद चीज़ें तो राइट प्लेस फॉर द राइट पीपल तैयारी होमवर्क देख लो कोई नहीं अल्लाह के फजल से किसी मामले में कोई और फिर दूसरी बात है कि सवेरे ट्विटर पे एक दूसरे से पूछ लिया करें कि आज हमने बयान क्या देना है चारों तरफ मुख्तलिफ होते हैं हम वो उधर सुनते हैं जो बंदूक आती है उधर सुन और आखिरी शेर सुन ले तेरी जमहूरियत या अली मेरी जमहूरियत बुजदार तेरे मुर्दे भी अरबपति मैं जीऊंदा जी ख्वार देखिए मैं माय ओनली आर्गुमेंट इज कि हम जो अफराद की चॉइसेस पर भी फैसले कर रहे हैं ना ये हमारा काम नहीं है उनका फैसला फर्ज करो कल मुस्लिम लीग नून जिस मर्जी को सीएम बनाए बट दैट्स अगेन योर प्रेरोगेटिव आप जो करना चाहें सीखेंगे कब टाइम लगेगा थोड़ा दो बातें जांच आ जाए दूसरी वाली पहले बता पहली वाली पहले अच्छा पहली बात ये भट्टी साहब साबित करें माशाल्लाह मजाकरात भी बेहतरीन कर सकते हैं कोई भी ना हो ये भी अच्छा, माशाल्लाह अच्छा, बोल अच्छा, नहीं नहीं मुझे ये पसंद थी चीजें वो नहीं अली मोहम्मद कहते थे मैंने कहा है मैंने इनको ये लिख के कहा आप हक बोले मैं माइंड नहीं अच्छा हक बोले मगर वो जो मैं सुनना पसंद चाहता हूं अनफेयर चले एक सेकंड मैं सुनना सवाल बदल लेता हूं आपका ख्याल है आईजी के मामले पर क्रिटिसिज्म अनफेयर है नहीं आपका हक है आप बोले हक के अलावा नहीं फेयर है या अनफेयर मैं समझता हूं आप क्रिटिसिज्म करें आपका हक है आपका राइट है कुछ और पूछ मैं कह रहा हूं ये फेयर क्रिटिसिज्म है या अनफेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म है आप पूछें आप सवाल करें मेरा जो जवाब है वो ये है कि मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं कि हमें अपना थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि क्या वन साइडेड जर्नलिज्म की इजाजत है एक तरफ उस आदमी के बैठे हैं एक तरफ उस आदमी के गार्ड्स भी मारे गए हैं वो तो हम सारे एस्टेब्लिश करने के बावजूद के गार्ड्स मारे गए हैं और दूसरी बात यह है काशिफ साहब कि वो बच्चे अगर उधर ले गए हैं स्टोरी पिछले तीन दिन से चल रही है भाईजान किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया भाईजान मैं आपको ये बता दूं मेरे पास वासी साहब प्रोग्राम है हाफिजा ने मारे हैं 8 साल के बच्चे ने मारे हैं वो बच्चों को ले गए हैं अगर उनको मारा गया गलत किया है अगर मारा गया है मैं ये आपको बरमला कहता हूँ आजम स्वाती साहब ने फिर ज्यादती की अगर उनको इस तरह से मारा गया लेकिन पहले इन्वेस्टिगेट तो होने दें मामला सामने ये काम आपको करना चाहिए था पहले इन्वेस्टिगेट होने दें उसके बाद फैसला करें आईजी को जाना अच्छा या नहीं एक और है। आपने आईजी को शुरू में आपको इन्वेस्टिगेशन हुई कोई नहीं अच्छा मैंने आपको कहा 382 का ट्रांसफर जो है 382 भी शिक शामिल की कि 10,000 रुपए भी छीन यानी सर आपकी बारी गुजर गई ना मेरी ये दूसरा चीज मैंने कल पढ़ी थी FIR में आपने 10,000 रुपए की चोरी भी शामिल की हाफिज़ कुरान अब ये पाकिस्तान अगर नया पाकिस्तान था तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये वो ये तो उनसे पूछे जिन्होंने लिखा है मैं ये जिन्होंने लिखवाया है मैं ये समझता देखा जाएगा कि FIR में कौन सी चीजें सही हैं कौन सी चीजें गलत हैं अगर ज्यादती हुई है वो बच्चों से तो बहुत जुल्म हुआ है तब्दीली की कश्ती के जितने भी है ना चप्पू चलाने वाले लोग ये सारे के सारे वो लोग हैं जो के पुराने घिसे पिटे और ये सारे काम करने वाले एपीसी में क्या करने जा रहे हैं और वो ये सारे लोग जो हैं एपीसी का बता दें अब कश्ती चला रहे हैं और ये कश्ती जो है इनकी डूबेगी सस्पेंस हमसे बर्दाश्त नहीं होगा खुद जिस तरह भट्टी साहब ने कहा ना कि हमारी इनको जरूरत ही नहीं है ये सुसाइड मिशन पे हुकूमत
ये खुद ही किसी दिन अपनी जैकेट की पिन खींचेगी और पूरे पाकिस्तान के आगे धमाका होगा और ये गायब हो जाएंगे। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा, एक एक डिप्लोमेट थे वो वैसी बात कर रहे थे, मैंने उनकी बात को कहा कि पीपल ऑफ पाकिस्तान थॉट इट्स अ चेंज बट इट टर्न आउट टू बी अ पॉकेट चेंज। आखिरी लास्ट प्रोग्राम में हमने रिक्वेस्ट की थी कि वाल सी जनरल के खिलाफ आपने सू करना था, गए सो वो बीबीसी पे जब ये करेंगे तो उसके साथ इकट्ठी हम क्लेम यार मेरा तो मैं इनसे भी आप अपने डेली मेल पेंट हाउस बैरी कजाक पनामा फार्म सो वो तो सारे होने चाहिए। मैं तो उस पे कोई नहीं 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 ना। क्यों तंग कर रहे हैं वो तो होना चाहिए लेकिन एक बात है कि इजराइली वाला जो इशू है गॉडफादर सिसिलियन माफिया बुरा है। मैं क्लोज कर दूं प्रोग्राम। नाजी गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान, जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।